हेलो एवरीवन, आज की कविता शिव मंगल सिंह सुमन की द्वारा लिखित है और कविता का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह कविता पक्षियों के ऊपर लिखी गई है और पक्षी कह रहे हैं कि हम खुले आकाश के प्राणी हैं, उन्मुक्त यानी खुला आकाश। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बधना गा पाएंगे। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि हम खुले आकाश के पंछी हैं, उड़ने वाले हैं। हम एक साथ पंक्ति में मिलकर के नहीं गा पाएंगे। पिंजरबद्ध होना यानी किसी एक पंक्ति में चल कर के हम नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, क्योंकि जो सोने के पिंजरे हैं उनकी सोने की तीलियों से, उनकी जो तीलियां हैं सोने की, जो पिंजरे की बनाई गई हैं जंजीरें, उनसे टकरा करके हमारे खुशनुमा पंख टूट जाएंगे। पुलकित पंख यानी जो हमारे सॉफ्ट से पुलकित से पंख हैं, खुशनुमा पंख हैं, वो पिंजरे में रह करके टूट जाएंगे। हम किसी पिंजरे में रह करके नहीं गा सकते हैं, क्योंकि हम तो एक खुले आकाश में विचरण करने वाले छोटे छोटे पंछी हैं। फिर पक्षी कहते हैं हम बहता जल पीने वाले, कि हम तो जो जल बहता है वह पी लेते हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भले है कटुक निबारी कनक कटोरी की मैदा से, कि हमें तो कड़वी निबोरी बहुत अच्छी लगती है। किसके मुकाबले? सोने की कटोरी में जो मैदा हमें खाने को दी जाती है उससे हमें तो निबोरी अपनी ज़्यादा प्यारी है। कि हम तो बहता जल पी लेंगे और मर जाएंगे भूखे प्यासे। हम तो भूखे प्यासे रहना पसंद करते हैं, हमें तो निबोरी अच्छी लगती है। अगर कोई सोने में हमें खाने को मैदा दे सोने की कटोरी में, तो वह भी हमें पसंद नहीं आती है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के झूले। हम तो सोने की श्रृंखला के बंधन में अपनी उड़ान और गति सब भूल चुके हैं। पिंजरे में रह करके हमें उड़ना नहीं आता है, हमें अपनी गति का ज्ञान नहीं है। हम तो बस सपनों में ये देख रहे हैं कि पंखों पर हम कैसे उड़ान भर रहे हैं, अपने पंखों से हम कैसे उड़ रहे हैं। ये हमारे लिए केवल एक सपना बन करके रह गया है, क्योंकि अब हमें पिंजरे में बंद कर दिया गया है। और ये हमारे लिए स्वप्न है कि हम एक बंधन में हैं और गति और उड़ान हमारे लिए केवल एक सपना बन करके रह गई है। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, हमारे मन में था कि हम नीला हुआ आकाश छू लें, उसमें उड़ें, अपने पंखों की उड़ान के झूले पर झूलें, लेकिन वो केवल एक अरमान या इच्छा ही बन करके रह गई। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, कि हम अपनी जो लाल चोंच है, किरण जैसी चोंच है, उससे हम अनार के दाने चुगते, जो खुले आकाश में जो पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं वहाँ जा कर के हम अपनी लाल चोंच के द्वारा और अनार के दाने खाते, लेकिन ऐसी हमारी केवल इच्छा ही बन करके रह गई है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। जब हम उड़ते हैं तो क्षितिज यानी आकाश से हमारी होड़ा होड़ी हो जाती है, हमारा कंपटीशन हो जाता है और हम आकाश को पीछे छोड़ देना चाहते हैं। और वह हमारी होड़ा होड़ी जो है वो सीमाहीन होती है, उसकी कोई सीमाएं नहीं होती हैं, अनंत होती है। हमारा कंपटीशन जो होता है वो बिल्कुल अनंत होता है, वो क्षितिज की गति को नहीं देखता, उसकी सीमा को नहीं देखता, उससे पार जाने की कोशिश करता है। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। या तो हम आकाश से मिल लेते हैं या फिर अपनी हमारी सांसों की डोरी तन जाती है, यानी हम थक जाते हैं उड़ते उड़ते।
नीर न द चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। कि हमें घोंसला तुमने दिया है, टहनी पर रहने का तुमने दिया है, हमारा आश्रय छीन लो। जो हमें तुमने आश्रय दिया है वो छीन लो, लेकिन यदि हमें पंख दिए हैं तो हमारे उड़ने की जो हमारी उड़ने की क्षमता है उसमें हमें विघ्न नहीं डालना चाहिए आपको, क्योंकि आप हमें पिंजरे में बंद कर देते हो तो हमारे पंखों की उड़ान नहीं हो पाती है और हम अपनी उड़ान में विघ्न महसूस करते हैं, क्योंकि हम तो खुले आकाश में उड़ने वाले प्राणी हैं। यहाँ पर देखिए, पंछी जो है पिंजरे में बंद रहना नहीं चाहता है। प्रश्न आ जाता है कि हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद क्यों नहीं होना चाहते, क्यों नहीं होना चाहते? क्योंकि वो अपनी निबोरी खा करके खुश हैं, अपने पंखों पर उड़ करके खुश हैं, उन्हें तो बंधन में रहना पसंद नहीं है, उन्हें तो अनार के दाने खुली चोंच से जा करके खाना पसंद है और आकाश में सीमाहीन उड़ना पसंद है, इसलिए वो पिंजरे में बंद रहना नहीं चाहते हैं। पक्षी उन्मुक्त रह करके अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? पंछी उन्मुक्त रह करके कौन कौन सी इच्छा पूरा करना चाहते हैं? वे कहते हैं कि हम तो अनार के दाने खाना चाहते हैं और बहता हुआ जल पीना चाहते हैं, कड़वी निम्बोरी खाना चाहते हैं और चितित से होड़ा होड़ी करना चाहते हैं, उड़ने का कंपटीशन करना चाहते हैं। भले ही हमारे आश्रय छीन लो, हमारे रहने का घर छीन लो, लेकिन हमारी जो उड़ान करने की इच्छा है, उड़ने की इच्छा है, उसमें कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या रतनती सांसों की डोरी। या तो हम क्षितिज से मिल जाते हैं जब हम उड़ान भरते हैं तो हम एक बहुत दूरी तक उड़ते चले जाते हैं तो क्षितिज से मिल जाते हैं, या फिर हम हमारी जो उड़ान है उसे हम पूरा नहीं कर पाते हैं और इसके कारण हमारी सांसों की डोरी जो है वो तन जाती है, यानी कि हम अपनी सांस पूरी तरह से नहीं ले पाते हैं। इस पंक्ति में होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। पंछी कहता है कि जब हम ऐसी सीमाहीन उड़ान भरते हैं तो हमारी पंखों की होड़ा होड़ी चलती है, कंपटीशन चलता है, क्षितिज के साथ भी हम कंपटीशन करते हैं। क्षितिज का मतलब यहाँ पर आकाश में उड़ने से है और इस प्रकार से वह कहता है कि या तो हम क्षितिज से मिल जाते हैं या हमारी सांसों की डोरी जो है वो तन जाती है।